उस साइड से होकर आया, इस साइड से आया, जिधर भी मैं जाता घूम फिर के उसी जगह पे वापस पहुंच जाता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हम सभी, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि व्लॉग को पूरा जरूर देखेगा, प्लीज 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 इस व्लॉग को पूरा जरूर देखें, और उसके बाद अगर आपका दिल करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेकिन रिक्वेस्ट है आपसे कि व्लॉग को पूरा जरूर देखें, बहुत ही मजे का व्लॉग होने वाला है। हम डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं और ये 7वां 8वां दिन है हम लगातार व्लॉग शूट कर रहे हैं। इससे पहले हमने इतने लंबे कभी व्लॉग शूट नहीं किए, कभी 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद, कभी 7-7 दिन बाद, एक एक दो दो वीक बाद भी व्लॉग अपलोड किए, लेकिन इस तरह डेली व्लॉग नहीं अपलोड किया। लेकिन अभी मेरी रूटीन बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आप तक डेली व्लॉग आप तक पहुँचे और व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और साथ ही मुझे छोटा सा बेल का आइकन होगा उसको लाजमी क्लिक करना है, उसको क्लिक करना नहीं भूलना। अगर आप उसको क्लिक करेंगे ना तो आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं आपके लिए रोज़ाना, बल्कि मैं अपलोड तो करता ही हूँ, लेकिन जब भी व्लॉग अपलोड करूँगा ना आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप मेरा व्लॉग देख लेंगे। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का है, इसको पूरा ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी रात हो रही है, बाहर धुंध है बहुत ज़्यादा, सर्दी है बहुत ज़्यादा, मैं छत पे हूँ, चलता हूँ नीचे, पिछले व्लॉग को करता हूँ एडिट और करता हूँ आपके लिए अपलोड। ये व्लॉग आपको कल मिलेगा और मैं भी आपसे कल ही सुबह ही मिलूँगा, क्योंकि अभी सर्दी है भाई साहब, और मैं छत पर आया हुआ हूँ अपने घर की, और छत पर और ज़्यादा ठंड है, तो नीचे जाके मैं बिस्तर के अंदर घुसकर पिछले व्लॉग को एडिट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और आपसे फिर मिलते हैं इंशाल्लाह सुबह। और स्कूल्स में छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो सुबह हम अपने शॉप पे लेट ही जाएंगे, हमारी बुक शॉप है, अगर आपको नहीं पता अभी, आपने अभी अभी मेरी वीडियो देखी है पहली दफ़ा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के मज़े मज़े के व्लॉग्स मिल सकें, वो भी डेली। तो भाई साहब कल से शॉप पर हो चुकी है छुट्टियाँ, और आज मैं देर से जा रहा हूँ शॉप पर, अभी जी 9 से ऊपर टाइम हो चुका है, तो जल्दी से चलते हैं, नाश्ता वगैरह किया, नहा तो कर तैयार हुआ, नाश्ता वगैरह कर लिया है, अभी जी चलते हैं जल्दी से शॉप पे। बाहर अभी भी उसी तरह ठंड कायम है, धुंध 3-4 दिन हो गया, धुंध लगातार है, सूरज जब भी निकला है लेकिन उसके आगे बादल आए हुए हैं, वो धुंध या ऊपर जाके वो बादल की शेप में लग रही है, तो आज भी ठंड है लेकिन उतनी नहीं है जितनी कल और परसों थी। तो अभी जल्दी से शॉप पर चलते हैं और वहाँ जाकर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ अभी मैं शॉप पे आ गया हूँ, मैं तो आज लेट आया हूँ, लेकिन रईस भाई रोज़ ही लेट आते हैं, क्यों रईस भाई, उनका टाइम है ना फिक्स 10 बजे, हाँ 9:30 टाइम है, 10 बजे आते हैं, आज मैं खुद ही लेट आया हूँ, तो रईस भाई ने तो पहले ही लेट आना होता है, और आके चाय और बिस्किट का नाश्ता कर रहे हैं मज़े मज़े से, अकेले अकेले नहीं, आप खाओ खुद ही, मैं कार के आया हूँ नाश्ता आज, वैसे मैं रईस भाई के साथ करता हूँ, रईस भाई लेट आते हैं, मैं रोज़ कहता हूँ जल्दी आ जाए हमारे साथ नाश्ता किए कर, एक और लड़का होता है लेकिन रईस भाई फिर लेट आते हैं और आके फिर अपना लहदा से नाश्ता लेकर आते हैं, इतने डीठ भाई हैं हमारे। और रईस भाई गए हुए थे वापस मुल्तान, रईस भाई पे भी 2-3 व्लाग बने हुए हैं, इधर देख सकते हैं आप, वो ज़रूर देखें व्लाग, वो भी बहुत मज़े के। एक दफ़ा रईस भाई गिफ्ट लेकर आए थे मेरे लिए मैंगोज़ का, अपने शहर मुल्तान से गर्मियों में, इंशाल्लाह अभी गए, अभी हाल ही हाथ आ गए वापस, 3 दिन के बाद गिफ्ट आ जाएगा, 3 दिन के बाद मुल्तानी सोन हलवा, भाई सर्दियों में सोन हलवा अच्छा होता है, बिचाए में बिस्किट डुबो डुबो कर केले केले खा रहे हैं मजे से, वो दिल नहीं आया, क्यों दिल भी नहीं आया, प्लान बनाया था तेरे, लाला जी भी नहीं आया, नहीं तीनों अभी तक तीनों नहीं आए, चारों नहीं आए, तो वो दिल ने तुम्हें बताया नहीं, नहीं बताया। ये भाई ने कल इसको भराया था, फुल करवाया था गैस से, 2 किलो गैस इसमें भरती थी, रही इसी भर के लाया था, लेकिन पता नहीं कल इतना ज़्यादा चला भी नहीं, ये डील है ना पीछे से हीटर, तो सारी गैस उड़ गई है, आज मैंने चलाया तो जल ही नहीं रहा, सारी गैस ही इसकी उड़ चुकी है, मैंने तो बहुत कोशिश की है इसको जल जाए, सर्दी लग रही थी, मैंने कहा हम दोनों हाथ से निकले अपने, लेकिन जला ही नहीं आए, मेरे ख्याल में तो गैस ख़त्म हो गई है ना रही, कितने की हुई थी फुल, 2 किलो कराई, कितने की है, भी 2 किलो का, कितने की, तकरीबन पता नहीं 4.5-5, हाँ इतनी महंगी गैस है, और इसके थोड़ा सा पीछे से ढीला है, उसकी वजह से सारी गैस जो है ना वो उड़ गई है, ये देखें यहाँ से लूज है। तो गैस अभी मैं अपनी शॉप के सामने, एक हमारे दोस्त हैं उनकी शॉप है, वहाँ पर आया हूँ, दोस्त से लेटा हुआ हूँ, अब भी आया हूँ थोड़ी देर पहले, और वहाँ पर हुक्का पड़ा हुआ है, तो ट्राई करते हैं हुक्का,
मैं हुक्का पी सकता हूँ कि नहीं। ठंडा हो चुका है, अगर गर्म होता है ना तो एक दो दफ़ा मैंने ऐसे गर्म गर्म को मुंह लगाया तो खांसी लग जाती है। आज ठंडा है लग गई तो अभी धूप में बैठूँ, धूप भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है। तो गाइज़ अभी मैं शॉप से घर आ गया हूँ, अभी घर नहीं आया बल्कि रास्ते में हूँ और दिन के 3:30-4 हो रहे हैं। वो ये जो रास्ता ना, ये हमारे घर जाता है रास्ता, लेकिन ये दूसरे गांव से होकर जाता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो हमारे गांव की सड़क ना, वो सारी तमीर हो रही है, दोबारा से बन रही है, तो कोई रास्ता नहीं है। परसों भी इसी रास्ते में आया था तो मैं रास्ता भूल गया था। उस दिन धुंध काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी और सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी। फिर मैं 3-4 घंटे वो आगे से होकर इस साइड से होकर आता रहा, 3-4 घंटे मैं बोल गया, 3-4 दफ़ा मैंने बोलना था कि उस साइड से होकर आया, इस साइड से आया। जिधर भी मैं जाता घूम फिर के उसी जगह पे वापस पहुंच जाता। फिर एक बाबा जी मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि बेटा इस रास्ते पे जाओ, आगे से इस तरफ लेफ्ट की तरफ मुड़ना तो फिर तुम्हें गाँव की सड़क मिल जाएगी। तो अभी मैं दोबारा उसी रास्ते पर आया हूँ, तो अभी मुझे याद है, भूल ना जाए, बस कोशिश पूरी कर रहा हूँ। याद तो है क्योंकि 2 दफ़ा मैं इस रास्ते से आगे गुजर चुका हूँ। और रास्ते में रुककर व्लॉग बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि परसों मैं भूल गया था इस साइड से, और उस दिन धुंध भी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। वो एक आगे से रोड आती है हमारे शहर से, उस तरफ है वो सीधी जाती है, तो वो आगे से मुझे उसका रास्ता भी नहीं आता। मुझे अपने गाँव के रास्ते बहुत ही कम आते हैं, हालाँकि हमारे गाँव में 8-9 रास्ते लगते हैं, 8-9 जगह से हमारे गाँव का रास्ता आता है। तो एक वो रोड है, वो सीधा शहर वाले सड़क से ना मेन रोड से आती है गांव की तरफ, और एक ये है, यहाँ से मैं भटक गया था। तो फिर बाबा जी ने उस दिन मुझे मेरी बहुत हेल्प की। अभी वो आगे जाके ना इस साइड पे जाऊँगा तो सामने बिल्कुल जाके मेरा गांव आ जाएगा। अभी घर चलते हैं, घर जाकर आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी आ चुका हूँ मैं घर, और तलहा भाई मेरी वीडियो शूट कर रहे हैं, व्लॉग शूट कर रहे हैं, और मैं खा रहा हूँ पीनट हनी तलहा भाई यार से मैं लेकर आया हूँ, वो जिसका छिलका पहले से उतरा होता है वो वाली। अभी पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तलहा कि नहीं कर रहा, मुझे घुमाई जा रहा है ऐसे ऐसे। और पीछे आप देख सकते हैं सूरज है हमारा, अगर आपने कभी नहीं देखा तो अभी देख लें। तो गाइज आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये व्लॉग और वीडियो पसंद आई होगी। तो आज ना काफ़ी ज़्यादा दिन बाद धूप निकली थी दिन को, और ठंड तो थी लेकिन धूप की वजह से ना धुंध जो है वो गायब होगी। पिछले 3-4 दिन से लगातार धुंध थी, बहुत ही सख्त धुंध और स्मोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरज निकला है तो धुंध तो गायब हो गई है, और जो है ना ठंड तो उसी तरह कम है लेकिन थोड़ी सी ठंड भी कम है आज। तो आज के फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये व्लॉग और वीडियो मज़े की लगी होगी। अगर आप व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और मज़ीद इस तरह के मज़ेदार व्लॉग्स और इस तरह के व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि मैं जब भी आपके लिए इस तरह के व्लॉग या वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो इस यूज़र नेम पर आप मुझे फॉलो भी वहाँ पर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।